डांडिया प्रयागराज से जहां झालर विधि की खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस विधि की खेती से जहां पैदावार अधिक हो रही है वहीं फल भी वजनदार पैदा हो रही है। बरसात में तो फसलों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, झालर विधि की खेती से अधिक मुनाफा कमाकर किसान अपनी झोली भर रहे। क्षेत्र के भगतपुर, ज्वालापुर, चांदोपारा, प्यागीपुर, समोदीपुर, मोतिहा, चकिया, बरई तारा, बरियारी, भवानीपुर, आला नगरी, जलालपुर, मियाँ पट्टी, बरेठी, ढूरहा आदि गांव में किसानों द्वारा झालर विधि की खेती की गई है। किसानों द्वारा झालर विधि की खेती में चिचिहड़ा, परवल, कुरुरु, नेनुआ, बोड़ा, लौकी आदि की खेती की गई। झालर विधि की खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस विधि की खेती से सब्जी अकूत पैदा हो रही है। यही बने इस विधि की खेती करने से जो भी फसल पैदा हो रही है वह बहुत ही सुंदर और देखने लायक हो रही है। झालर विधि की खेती का नतीजा है कि 5 फीट से अधिक लंबा चिड़चिड़ा जहां पैदा हो रहा है वहीं 100 ग्राम के वजन तक कुन्नू का फल लग रहा है। इस विधि की खेती करके किसान यहां मालामाल हो रहे हैं। वहीं साग सब्जी की खेती से उनकी झोली भर रही है। भगतपुर गांव के किसान विजय बहादुर पटेल ने बताया कि झालर विधि की खेती किसानों के लिए वरदान है। इस विधि की खेती से साग सब्जी की खेती में पैदावार बहुत अधिक हो रही है। फसलों की निराई गुड़ाई में मेहनत भी कम लग रही है। इसी प्रकार इसी गाँव के राम बहादुर पटेल, धर्मेंद्र कुमार पटेल, सुरेंद्र कुमार, संतोष कुमार आदि किसानों ने बताया कि झालर विधि की खेती करने से बरसात के मौसम में फसलों का कोई नुकसान नहीं हो रहा, वही खाद की मात्रा भी कम लग रही है। बरसात में झालर विधि की खेती से क्या फायदे हैं चाचा, बताइए आप। इससे ये फायदा है कि जमीन नीचे जो है घास फूस से असर नहीं पड़ता और निकाई गुड़ाई करने में आसान होता है, फल अच्छे लगते हैं, कीड़े कम लगते हैं, पैदावार अधिक होती है, पैदावार अधिक होती है, फल सुरक्षित होता है, सड़ता गलता नहीं, नहीं सड़ेगा नहीं। कौन कौन सी खेती किए हैं आप? ये है चिचिंडा है, करेला है और ये मटर है और ये तो कुनुरु है ना? हाँ ये कुनुरु है। आपका नाम? जगत बहादुर। कहाँ के रहने वाले हैं? भगतपुर चांदोपारा। ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक सैदाबाद। चिचिहड़ा है ये, किस भाव से बिक रहा है ये? अब बता नहीं सकते, करीब 15 रुपए किलो। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 5 फीट लगता है। 5 फीट की लपेट में है, 5 फीट 3 इंच तक है। अच्छा चावल यहाँ था।